टू माई चैनल। काफी सारे मेरे को कमेंट आए थे कि काफी लोगों ने मुझसे पूछा था, मैम हमारे जो है रूखे सूखे झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, जैसे अगर हम डस्ट में अगर कहीं बाहर निकलते तो हमारे जो बालों का जो मॉइस्चर है बिल्कुल खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाता है, उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करें, प्लीज कुछ घरेलू नुस्खा बताइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप घरेलू नुस्खा, और ये बहुत ईजी है और आप लोगों के घर पे अवेलेबल होगा। और ये जो है आप लोगों के आपके प्लांट्स आपके जो टेरिस पे या आपके गार्डन पे लगा होगा, आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर पे। बहुत ही आसान से सिर्फ दो टिप्स आपको यूज करने होंगे और कुछ भी नहीं। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट करे हुए। और मैं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। और उसके बाद मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगी, जब भी आप हेयर वॉश करते, हेयर वॉश करने के बाद अपने बालों को जो है अच्छे से टाइट में बिल्कुल भी उसको जो है बालों को नहीं बांधना होता, क्योंकि उनकी जो स्कैल्प्स और उनके जो रूट्स होती है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिससे कि उनका जो टूटना झड़ना बहुत जल्दी हो जाता है। आप जितना हो सके उन्हें जितना सॉफ्टली उनको जो अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से पहुंचेंगे, मैं आपको जो नेक्स्ट में दिखाऊंगी कि हमें अपने बालों को जो है बिल्कुल ऐसे मॉइस्चराइज करके ही अपने टॉवल से पहुंचना चाहिए, ज्यादा इनको रगड़ना नहीं चाहिए, ज्यादा इसको झटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे रूट्स जो है बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमें क्या है वो दो टिप्स चाहिए होगा जिससे जो है हमारे बाल जो है मजबूत हो जाएंगे और साथ के साथ जो है शाइनिंग भी आएगी। और ये घर पे ही बनाना आसान है, इसे जो है हम एक तरह का सीरम भी बोल सकते हैं, हेयर सीरम भी या हेयर मास्क भी कह सकते हैं। आपको जो है इसको आफ्टर वॉश के बाद इसको जो है हेयर पे अप्लाई करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो अपने बालों को जो है ऐसे झटके नहीं देने हैं और इसको जो है जोर जोर से रब नहीं करना है, आपको जो इसको बिल्कुल स्मूथली जो है इसको आराम से इसको पहुंचना है, और हो सके तो इसको जो है बिल्कुल धीरे धीरे कीजिएगा आपके, क्योंकि बाल और जो रूट्स होते हैं स्कैल्प बहुत ज्यादा जो है कमजोर हो जाती है, इसको आपको सिर्फ हल्के हल्के हाथों से ही पहुंचना है, तभी हमारे बाल जो है बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे और बहुत ज्यादा ग्रोथ अच्छी होगी इनकी। आपको जो अपने बाल धोने के बाद जो करना है, सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल लेना है, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप उसको ले सकते हैं। आपको इसको जो है कुछ बूंदे ही लेने, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, क्योंकि हमें बालों को जो है शाइनिंग लाएगा और सीरम के रूप में काम आएगा। और ये देखिए इसकी जो है एक से दो बूंदे आपको लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है आपको, इनको जो आपस में मिक्स करना है, और जब बाल धो लोगे आप उसके बाद इसको जो है बालों पर अप्लाई कर सकते हो। आप इसको जो अपने पाम पे भी बना सकते हो, अपने हाथ पे इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है आपको अच्छे से इसको जो है बालों में हल्के हल्के जो है इसकी जो है मसाज करनी है, और फिर बालों को जो है खुला छोड़ देना है। उसके बाद आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा शाइनिंग और बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे, और बालों का जो है झड़ना भी रुक जाएगा। देखिए मैंने ये बिल्कुल कम क्वान्टिटी में बनाया है, अगर आपके काफ़ी लंबे बाल हैं तो काफ़ी लंबे बालों के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। देखिए इसका कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है, बस आपको इसको जो है ऐसे ही अपने पाम पे लेना है। मैं ऐसे लेती हूँ, जैसे ये मैंने अपने हैंड पे लिया, इसको मसाज करके अपने हेयर पे लगाना है। कैसे इसको जो हेयर सीरम को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इंग्रेडिएंट इसको बनाते हैं, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा मेथड है। आप अगर इसको रोज डेली जब भी आप हेयर वॉश करते हैं और या नाइट ओवरनाइट में भी इसको यूज करते हैं, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आफ्टर वॉश ही होगा, आप इसको जो है नाइट में भी अगर इसको अप्लाई करते हैं और मॉर्निंग में अपने हेयर को वॉश करते हैं तो भी आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बेटर रिजल्ट देगा, 101% रिजल्ट देगा, क्योंकि घरेलू नुस्खा आजमाया हुआ है और कोई भी है जिसका जो है साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, और बहुत ही अच्छी बेनिफिट मिलेगा आपको हेयर के लिए, क्योंकि आप जो बहुत महंगे महंगे हेयर स्पा करवाने जाते हैं, स्मूथनिंग करवाने जाते हैं, कैरेटिंग करवाने जाते हैं बालों को, अगर अब इन छोटे छोटे टिप्स अगर घर पे ही अगर इसको आजमा ले तो हमारे जो हेयर है बहुत ज्यादा जो है रूट्स भी और इनका बालों का झड़ना भी बहुत अच्छा कमजोर जो है ठीक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल के लिए। चलिए बाय, लेट्स